आप जो थंबनेल पर फोटो देखे हैं जो दौड़ का, और चलिए आज उसके बारे में कुछ बात करते हैं। सर सर, आप जो थंबनेल पर देखे दौड़ को, जिसे देख के आप क्लिक किए हैं, चलिए उसके बारे में आज बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि उसमें कितना लकड़ी और कितना क्या लगेगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि यही मॉडल शायद हम थंबनेल पर दिए हैं जिसे आप लोग देख के क्लिक किए हैं, चलिए उसके बारे में आज जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम कंफर्म कर देना चाहते हैं कि ये मॉडल आप कहीं मत बना दीजिए। आप हाइट देखिए कितना है, उस दरवाजे का हाइट कितना है, आप उस हिसाब से बनाइए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं 6 फीट है, मान लीजिए कहीं 6 फीट हुआ, आप वहाँ बना दिए, वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 6 फीट से ज़्यादा होने के बाद ही ये आप डोर बनाइए वहाँ, ये भी हमेशा ध्यान रखिए। और मान लीजिए कि 6 फीट से नीचा के लिए भी बहुत सारा डोर है, आप उस हिसाब से बनाइए। आप हमारे पिछली वीडियो चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपके लाइक का वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए हम बना देंगे दूसरा वीडियो। चलिए हम आज बात करते हैं कि इसमें कितना लकड़ी कैसे लगाएंगे, क्या क्या करेंगे। चलिए मान लीजिए ये आ गया, ये हाइट आ गया, मान चलते हैं हम 7 फीट हाइट है। चलिए ये 7 फीट हो गया, 7 बाय 5 इंच बाय 1.5 इंच, ये आ गया आपका 2 पीस, एक और दो, दो पीस आ गया। चलिए अब ये देखते हैं और ये देखते हैं, यहाँ देखिए इसे भी ज्यादा नहीं लेना, कम से कम 7-7 इंच ही देना है। मान लीजिए इसका हाइट आ गया आपका, ये आ गया आपका 7 फीट, ये आप फिलहाल लेके चलिए 3 फीट ही, 36 इंच। 3 फीट इसलिए देखिए जोड़ने में अच्छा रहेगा, आपको भी समझाने में, आप उस हिसाब से आगे पीछे कर लीजिएगा। चलिए ये आपका आ गया 36 इंची, 36 इंची, ये आपको 7 इंच दीजिए, 7 इंच, डेढ़ इंच, और आगे ऊपर का ना थोड़ा आप कम कर लीजिए, ये भी 36 इंच में रखिए, और ये आप 6 इंच कर लीजिए। आप इसको 5 भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए, 6-5 आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप आगे देखते हैं कि मान लीजिए ये तो आपका आ गया, ये तो आ गया आपका 7 इंच, ये आपका आ गया 6 इंच, ये आ गया 5 इंच। चलिए अब इसमें देखते हैं कि कितना क्या रखना है कि देखने में अच्छा लगे। आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, पहले आप इनको जोड़िए कितना कितना आता है। मान लीजिए आपका अगर 10 इंच आ गया, 10 इंच आ गया, ध्यान दीजिए 1 2 3, अगर सब 10 इंच आता है तो आप ये भी पैनल 10 इंच ही रखिए, और ये भी पैनल 10 इंच ही रखिए, ठीक है। अब आ गया कि 10 इंच यहाँ एक छोटा पैनल है, उसको कितना रखें। अगर इसका ये 10 इंच है स्पेस जगह, तो नीचा भी आपको यहाँ 10 इंच ही देना है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब ये हम बता दिए कितना कितना देना है, अब चलिए बताते हैं इसमें लकड़ी कहाँ कहाँ कितना कितना इंची लगाना। हम चारों साइड का तो बता दिए, बीच का नहीं बताया, बीच में जहाँ जहाँ लकड़ी लगता है लगाइए, लेकिन 3 इंच से ज्यादा मत लगाइए, 3 इंच, 1.5 इंच, इससे ज्यादा मत लगाइए। आप अपने हिसाब से आप नाप लीजिए कि कितना कैसे आएगा, उस हिसाब से आप लकड़ी लगाइए। लेकिन बीच का जितना भी लकड़ी आएगा, ये और ये जितना भी लकड़ी आप डालेंगे बीच में, उसमें आपको यहाँ 3 इंच ही डालना है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ और इसमें बहुत मायने रखता है, चलिए उसको आप समझते हैं। ये आप बीच का जो लकड़ी इसमें डालेंगे, इसमें आधा आधा इंची टक दोनों तरफ से जरूर दीजिए। मान लीजिए कि अगर ये मेरा 3 इंच का लकड़ी होगा भैया, यहाँ छेद करके इसमें डायरेक्ट अगर हम फंसा दिए तो वह बहुत प्रॉब्लम होने वाला। आप उसको क्या कीजिए, उसको यहाँ से आधा इंच और ऐसे काट के उसमें लगाइए, छेद में डाल दीजिए। वो डालने के बाद आपको आपका प्रॉब्लम हल कैसे होगा, क्या प्रॉब्लम कहाँ नहीं आएगा, चलिए ये बताते हैं। मान लीजिए आप जब इसमें पैनल डालेंगे ना, इसमें पैनल, तो उस टाइम आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप उसमें टक नहीं देते हैं वहाँ आधा आधा इंच दोनों तरफ से, वो बहुत प्रॉब्लम देने वाला, चूंकि इतना पैनल आप साथ में नहीं घुसा पाइएगा बगैर टक का। अगर आप टक नहीं देते तो कहीं से खुला है उस तरफ से पैनल देके लगा दीजिए। अगर आपके पास टक नहीं है तो आपको घुसबेन पड़ेगा, पैनल सारा फाउंडेशन खोलना पड़ेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, इतना समझ लें, अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिए, हम फिर से समझाने की कोशिश करें।